तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हमने 7 चैप्टर में इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? इज़ द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू फिक्स लिमिट। द डेफिनेट इंटीग्रल इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। आप ये पहले भी कर चुके हैं, ये दिस इज इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और मैंने इस कर्व को यहाँ ड्रा कर रखा है और ये इस कर्व के अंदर एरिया है। इसके अंडर ये लिमिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। इस कर्व के अंडर एक्स एक्सिस तक जो एरिया है वो इस द्वारा रिप्रेजेंट होता है और इसे बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द कर्व वाई इज इक्वल एफ एक्स। कोई वाई यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे जैसे हम पीछे प्लस वन में आपने 4ax, ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो पैराबोला के अंडर मान लो ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर 4ay। तो इस पैराबोला के अंडर जो एरिया है, वेयर इज द लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी, फंक्शन आ गया आपके पास यहाँ पैराबोला डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तक। तो ये जो येलो शेड है दिस इज द एरिया रिप्रेजेंट बाई दिस टर्म। तो ए इज द लोअर लिमिट, बी इज द अपर लिमिट, फंक्शन डी एक्स, दिस इज द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। जैसे हमने पीछे किया, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये इस येलो शेडर को रिप्रेजेंट करेगा जो भी वैल्यू आएगी। अब एज ए लिमिट ऑफ सम क्या है कि हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट बनाते जाएंगे इनफाइनाइट टाइप, और फिर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके इस सभी एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज नोन एज इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सेकंड जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसे हम FTC भी बोल देते हैं। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। चार स्टेप हैं सॉल्व करने के। पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी इंटीग्रेशन गिवन होगी हमने उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एंटी डेरिवेटिव का मीन है कि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करनी है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। हमने क्या किया, इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है पहले हम उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट। जो अपर लिमिट है, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, बी, तो आपने पहले बी पुट करना है।
उसके बाद आपने लोअर लिमिट पुट करनी है और नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना आपने उनको. तो यहाँ पे देखें a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस एफ एक्स ए और b को भूल जाएं, इंटीग्रेशन एफ एक्स का आंसर आ गया मेरे पास एफ एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मेरे पास जो आंसर आया है एफ एक्स आया. अब जो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो हमने क्या करना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करनी है. तो क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट की एफ ऑफ बी, फिर माइनस करना है एफ ऑफ ए. तो इस प्रकार आप जो है डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. और इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो पीछे अभी तक जो एक्सरसाइज की है, 6 एक्सरसाइज कर चुके हैं, हमने क्या करना है, क्वेश्चन को उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है. एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, लिमिट. और जब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक क्वांटिटी मिलेगी, एक नंबर मिलेगा हमें. क्या मिलेगा, एक नंबर मिल जाएगा. जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कोई नंबर मिलेगा, कॉन्स्टेंट नंबर. ठीक है, क्योंकि लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी. तो चलिए फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं. तो यहां पे पहला क्वेश्चन लिया मैंने कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट दिया 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसे आपने सॉल्व करना है. तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि अभी हमने लिमिट को नहीं ध्यान में रखना है, हमने जस्ट एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है. तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कितना आया, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट. नेक्स्ट काम क्या है, अगर कांस्टेंट तो कांस्टेंट आप बाहर ले लें. अब क्या करेंगे, क्या है ए बी एफ एक्स डी एक्स, तो हमारे पास था एफ एक्स. अगर इसका आंसर आता है तो ये लिमिट है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे अपर लिमिट 3, तो 3 की पावर माइनस एक्स की जगह 2, फिर 2 की पावर, तो क्या आ गया 1/3. 3 की पावर 3 कितना था, 2 की पावर 3 कितना आ गया जी. तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आया 19.3, और ये एक क्या है, रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, ये आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. और ये क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ये क्वेश्चन किया है. इसमें चेंज क्या है, सिर्फ लिमिट आ गई इसमें, और लिमिट आंसर बन गया डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया. तो पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो ले 1 to x dx अपॉन x+1 x+2. हाँ जी, तो क्या मेथड हमारे पास, अभी तक हमने लिमिट को कोई अप्लाई नहीं करना, ये आप ऐसे ही लिखते जाएंगे. तो क्या करते थे, दोनों नीचे जो डिनोमिनेटर में जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया वो मल्टीप्लाई में है. तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने शॉर्टकट मेथड किया था कि ए को 0 पुट कर लो, उसमें वैल्यू ना पुट करो, बाकी पुट. तो जब मैं x+1 को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, तो मैं यहाँ पे -1 अपॉन x+1 एज इट इज -1+2 प्लस, फिर आप x+2 को 0 पुट कर दें, -2 अपॉन -2+1 एंड x+2 और दिस इज dx.
ठीक है जी। फिर लिमिट वन टू, यहाँ पे देखिए टू में से वन चल गया, वन माइनस है, माइनस आप यहाँ पे देखो एक्स प्लस वन, नेक्स्ट माइनस वन और माइनस टू प्लस टू और नीचे एक्स प्लस टू और डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, वन टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, आगे प्लस टू बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, माइनस लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ पे अब ब्रैकेट लगा दें और ये लिमिट ऐसे लिख दें, क्योंकि ये अब आपका एफ एक्स आ गया, दिस इज योर एफ एक्स, और ये अब लिमिट लिख दें। आगे क्या है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने वन और टू में हमने लिखा ऐसे है ना, वन और टू में ऐसा लिखा है। तो क्या आंसर आया चेक करें, हाँ जी क्या आंसर है जी, पहले टू पुट करें, क्या आ गया टू प्लस वन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज प्लस टू, हाँ जी लॉग टू प्लस टू माइनस लॉग थ्री। तो आप इसे ओपन कर दें और फिर आपने इकट्ठा कर देना, जो आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है उसे कर देना। इसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ तक ठीक था। तो हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, आपको पता कि ये माइनस वन और प्लस वन है तो लॉग आ जाएगा, ये भी लॉग, तो यहाँ से आप ये जो लिमिट है ये दोनों की कॉमन भी लिखी जा सकती है, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही सिंप्लीफाई अलग अलग करें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है 7.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट है 0 टू पाई अपॉन 2 कॉस 2 एक्स डी एक्स, क्या मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर सकता हूं? Yes, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन और लिमिट कितनी आ गई 0 2, काम खत्म। हमने तो कोस 2x को देखना था, कोस 2x का इंटीग्रेशन हमने देखा कि वो होता है साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 पाई बाई 2। एक चीज आपने नोट की, यहाँ पे प्लस c नहीं आया है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने क्या करना है कि जो प्लस हमने c लेते थे इनडेफिनेट में वो नहीं लेना, अगर आप ले भी लेंगे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो जो कॉन्स्टेंट है वो अपने आप कट जाएगा, इसलिए हम उसे छोड़ दिया है, तो उसका लेना नहीं लेना एक बराबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ इंटीग्रेशन करने का प्लस सी नहीं लिखा है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो मैं लिख के बताता हूँ आपको, तो मान लो यहाँ लिखना है हमने, तो चलो लिख लेते हैं एक बार आपको बताता हूँ, चलिए आ गया आंसर, तो प्लस सी आना था तो लिमिट आ गई आपकी 0 पाई बाई 2, अब मैंने सी लिख दिया है जैसे हम इनडेफिनेट में करते आ रहे थे। आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करें 1 बाई 2 साइन, यहाँ पाई बाई 2 पुट होगा एक्स की जगह, क्योंकि ये किसके वेरिएबल हैं एक्स के, तो एक्स की जगह पाई बाई 2 दैट इज आगे प्लस सी, फिर माइनस तो जीरो पुट करें, साइन जीरो मीन जीरो प्लस सी, तो मेरे पास आ गया साइन पाई अगेन जीरो,
साइन बाई यस सर जीरो, तो सी माइनस सी अगेन जीरो। अब आप बिना सी के करते हैं, मेरे पास है साइन टू एक्स अपॉन टू और जीरो पाई बाई टू। इस इंटीग्रेशन का आंसर साइन एक्स साइन टू एक्स अपॉन टू है, लिमिट आ गई जीरो पाई बाई टू। पुट करके देखें, वन बाई टू आप बाहर लिख दें, ये आ गया जी साइन, यहाँ पे टू पाई तो ये साइन पाई माइनस जीरो पुट करेंगे साइन जीरो दैट इज जीरो। तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस सी हम लगाते थे आर्बिट्री कांस्टेंट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जीरो टू पाई बाई फोर, टू सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टू और डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करनी हमने, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो कैसे करें? क्या ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? ये फंक्शन इंटीग्रेट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि तीन इसमें आपको टर्म्स दिए हैं, अलग अलग तीन फंक्शन दे दिए, तो ऐसा लग रहा है कि तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। तो सिंपल क्वेश्चन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? जीरो पाई अपॉन फोर, यह आ गया जी टू सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस जीरो पाई बाई फोर एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स आना था, और प्लस टू कांस्टेंट है तो वन इंटू डी एक्स जीरो पाई बाई फोर। आपने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, तीन क्वेश्चन बन गए हमारे पास, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया पहला, फिलहाल इस लिमिट को भूल जाओ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमने इस लिमिट के, ये नहीं सोचना कि लिमिट आ गई है, ये दिमाग में उठाओ, हमने इसे इंटीग्रेट करना है, ये दिमाग में बैठाओ। तो सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये तो देखो, अब ये तो अब आपका काम है ना, सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टैन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकंड स्क्वायर एक्स। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? टैन एक्स। और लिमिट आप लिख देंगे जीरो पाई बाई फोर स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन और स्क्वायर ब्रैकेट और लिमिट जीरो पाई बाई फोर प्लस टू एक्स और लिमिट जीरो पाई बाई फोर। तो आप लिमिट अप्लाई कर दें। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करें, रहने दो यहीं टू, तब भी कोई बात नहीं, आप कॉमन लेना चाहते हो कॉमन भी ले लो। तो टेन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाई फोर, कितना आता जी? वन। फिर जीरो पुट करें, टेन जीरो जीरो। चलिए नेक्स्ट, फोर आप बाहर लेना चाहते हो बाहर ले लो, चलो इसमें बाहर ले लेते हैं, एक्स की पावर फोर बचा तो पहले पाई बाई फोर इसमें पुट करें, फिर माइनस, क्योंकि जब एक्स में जीरो पुट करेंगे जीरो आगे। एक्स की पावर फोर है तो एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करी पाई बाई फोर, पाई बाई फोर की पावर कितनी आएगी? फोर। यहाँ तक ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्या बन गया? टू, हाँ जी, पाई पावर फोर और नीचे 256 है ना, और 256 को फिर आप इससे करें फोर से कितना आता है? आई थिंक ये आएगा, चेक कर लेना,
ये टू इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो पाई बाई टू, तो दिस इज योर आंसर। आप चेक कर लें क्या हमारा आंसर ठीक है। तो क्या किया हमने, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया यहाँ पे भी, और जो सेकंड पार्ट इसमें था कि लिमिट अप्लाई करनी। लिमिट अप्लाई का क्या मीनिंग है कि आपने जैसे ही आपने सॉल्व कर लिया इनडेफिनेट इंटीग्रल आपने सॉल्व कर ली, तो लिमिट जो आपकी दी है लोअर लिमिट नीचे आएगी, अपर लिमिट ऊपर, तो पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है, यह ध्यान रखना। मैंने लिखा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो आपने ये बी है तो इसमें वैल्यू पुट करनी, जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर सेकंड लोअर लिमिट जो भी होगी, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया डेफिनेट इंटीग्रल, और हमने एक्सरसाइज कौन सी की है 7.9। तो इसी प्रकार 7.10 भी है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपने वैसे ही करना है, तो चलो उसको भी हम करेंगे ठीक है।